नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों कल का वीडियो बहुत ही लर्निंग था। हमने जो भी लेवल्स दिया था वो लेवल्स के हिसाब से थर्ड सिनेरियो हमने जो डिस्कस किया था वो थर्ड सिनेरियो के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही काम किया है। निफ्टी का हमने दोस्तों क्या डिस्कस किया था वो देख लेते पहले, बाद में बैंक निफ्टी का। दोस्तों निफ्टी का हमने डिस्कस किया था फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है तो हमें 300 और 200 टारगेट्स मिलेंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ए लेवल पे आता है रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शन मिलता है वापस 300 और 200 के टारगेट्स मिलेंगे। और थर्ड सिनारियो दोस्तों मैंने आपको कल यहाँ पे बोला था एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो वो ट्रेंड लाइन, और मैंने ये भी बताया था कि हमें कॉल में कब बैठना है 19,450 के ऊपर ही हमें कॉल में बैठना है। मार्केट गैप ओपन हुआ, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और 19,450 को भी ब्रेक कर दिया। वहाँ से यहाँ से हमने बोला था कि हमें टारगेट 500-520 तक मिलेगा, 19,520 तक हमें टारगेट मिलेगा लगभग 60 पॉइंट्स का। यहाँ पे मार्केट ने जो एक्सपेक्टेड टारगेट था उससे भी ज़्यादा दिया, 19,460 तक हमें टारगेट मिला जो कि 100 पॉइंट्स का आज हमें निफ्टी में टारगेट फर्स्ट हाफ में देखने को मिला। अभी मैंने कल ये भी कहा था कि एक्सपायरी है दोस्तों, एक्सपायरी में बहुत बड़ी मूव आ सकती है अप साइड या डाउन साइड, क्योंकि निफ्टी बहुत दिन से साइडवेज में और थोड़ा अप एंड डाउन मतलब साइडवेज में ही काम कर रहा है। ओवरऑल देखोगे तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही, और जैसे ही फर्स्ट हाफ में 100 पॉइंट का टारगेट देने के बाद निफ्टी यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, बाद में वापिस जो हमारा लेवल था वो लेवल को ब्रेक कर दिया, वहाँ से 100 पॉइंट्स का वापस यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी में। तो निफ्टी ने हमारे लेवल्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया है। दोस्तों मैं हर दिन आपको बता रहा हूँ कि आपको एक दिन पहले लाइव ट्रेड मिल रहा है, लाइव ट्रेड जो लाइव ट्रेड आपको मिल रहा है वो लाइव ट्रेड को जो चार्ट्स में मैं चार्ट पे जो लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ वही लेवल्स में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपके चार्ट पे भी ड्रॉ करके रखो, आपको उससे बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो बहुत दिनों से मैं बोल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख रहा हूँ यहाँ पे, और वही ट्रेंड लाइन पे आज निफ्टी आके रुका है। ओके अभी कल क्या हो सकता है कल का देख लेते हैं। दोस्तों आज जो एक्सपायरी मूव था या बड़े प्लेयरों का गेम था वो कल ही हमें पता चलेगा उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद। यहाँ पे कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, जो कि हमने कल जो इसका मतलब कल का जो लो है अगर ये लो को काट देता है दोस्तों, अभी वापस ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है इसी ट्रेंड लाइन, अगर ये लो को काट देता है दोस्तों डेफिनेटली 19,300 और 200 इजीली हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आने के बाद ये लो को काटने का वेट करना है, कंफर्मेशन लेना है, और जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है 300 और 200 के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। तो फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे के साइड आता है, ये लेवल को काटता है, डेफिनेटली पुट में बैठना है। अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वापस ये लेवल तक आता है, 19,450 को ब्रेक कर देता है, इनिशियल टारगेट वही हमारा रहेगा 19,550 तक हमारा टारगेट रहेगा, लगभग 90 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रहेगा। दोस्तों यहाँ पे एक क्लियरली दिख रहा है कि मतलब बार बार निफ्टी ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, डेली चार्ट पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मतलब जो निफ्टी में हमें जो मोमेंटम चाहिए था अप साइड में, अभी वो वहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप डेली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, निफ्टी ने एक रेंज बना ली है 19,315 और हायर रेंज है 19,550, ये रेंज में ही काम कर रहा है। मतलब 200 पॉइंट्स में लगभग 4 जुलाई से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी मूव आने वाली है, अप साइड या डाउन साइड पता नहीं, मार्केट हमें कुछ दिनों के बाद ये पता ही चल जाने वाला है कि जो मोमेंटम आएगा वो अप साइड ज़्यादा आएगा या डाउन साइड आएगा। लेकिन जब तक ए लेवल ब्रेक नहीं होती 19,300 का और सेकेंड लेवल 19,560, यहाँ पे हमें डेली कैंडल के बेसिस पे क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा कि निफ्टी कहाँ जाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों निफ्टी का देख लिया है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। कल के लिए सिर्फ लेवल्स याद रखो, आज का बहुत ही अच्छा दिन था,
निफ्टी में एक्सपायरी में बहुत अच्छी मूवमेंट आई, बहुत लोगों ने आज पुट में पैसा कमाया रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये लेवल आज के लोगों को काटता है तो डेफिनेटली 300 या 250 के तरफ जाएगा। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये लेवल 450 अगेन 415 सॉरी 415 मैंने 450 बोला दोस्तों, अभी 480 बोल रहा हूँ, 480 अगर काट देता है 5 मिनट के कैंडल ग्रीन बनने के, उसका कंफर्मेशन चाहिए, उसका कंफर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली 550 के लिए बैठना है, 80 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलेगा 19,550 का। और अगर गैप ओपन होता है, गैप ओपन के बाद ये लेवल को काट देता है डेफिनेटली वही हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या बैंक निफ्टी में सिनारियो बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे यही मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो दोस्तों, उसके बाद 44,850 का भी मैंने बोला था कि 850 के ऊपर ही हम इसमें बुलिश रहेंगे दोस्तों यहाँ से। और ये भी बोला था कि ये लेवल पे आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है डेफिनेटली। यहाँ से हमें 200-250 पॉइंट का मूवमेंट मिला फर्स्ट हाफ में, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छा काम किया हमारे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से। अभी कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है देख लेते हैं दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 44,600 ये लेवल बहुत सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। जिस दिन ये लेवल काटेगा बैंक निफ्टी, अगर 44,500 तो मेजर सपोर्ट है, मैं वेट करूंगा 44,500 ब्रेक होने का, वो भी डेली कैंडल क्लोजिंग नॉट फॉर इंट्राडे। जैसे ये डेली का कैंडल क्लोजिंग हो जाएगा 44,500 के नीचे दोस्तों, 44,000 हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। ओके तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और आज के लो को काट देता है दोस्तों, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,500 और 400, ये 200 पॉइंट का ही मैं यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा नीचे जाके वापस मार्केट ऊपर आ सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है वापिस, वही हमारा लेवल रहेगा 850 के ऊपर ही हम बुलिश रहेंगे, तब तक नहीं रहेंगे। जैसे ही 850 क्रॉस होगा वापिस हमारे टारगेट रहेंगे 45,200 तक। यहाँ पे 300-400 पॉइंट का आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है तो डेफिनेटली रिटेस्ट का वेट कीजिए, वही हमारे टारगेट रहेंगे 44,400 और 500। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप काम करो, आपके चार्ट पे जो मैंने लेवल्स अभी ड्रॉ करके रखे वो लेवल्स ड्रॉ करके, आज हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया है। देखोगे आप अच्छा खासा यहाँ पे लोगों का, बहुत लोगों का पुट में पैसा बना है। तो इसी हिसाब से आपको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता दोस्तों। आप मेरे चार्ट पे देखोगे तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसके बेसिस पे ही मैं काम करता हूँ। और हर बार आपको बोल रहा हूँ कि 80% हमारा साइकोलॉजी काम करता है दोस्तों, और 20% हमारा सिर्फ टेक्निकल। जिस दिन टेक्निकल काम कर दिया 20%, यहाँ पे आपका काम होना चाहिए 80%, मतलब आप 80% यहाँ पे रुक पाओगे तो ही बड़ा पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जिस दिन ये लेवल काटा, ये 20% टेक्निकल ने काम किया, 80% इसने काम कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिस दिन ये 20% मेरा टेक्निकल ने काम किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, 80% साइकोलॉजी ने काम करना चाहिए, इसी हिसाब से मार्केट काम करता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।